हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं सरमचा और आप देख रहे हैं पॉक्स्टर गेमर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी सी वीडियो मेरी लेट हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है हमारा कॉर्ड टूर्नामेंट ऑन गोइंग था उसके स्केड्यूल में और बहुत सारी टीम्स को इन्वाइट करने में मेरा टाइम वहां पे यूज हो जाता था, तो मैं वीडियो के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। तो फाइनली गाइज आपकी डिमांडिंग वीडियो आ चुकी है। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने हर बंदे के कमेंट्स को पर्सनली रीड किया और मैंने उन बंदों के कमेंट्स लिए हैं मेजोरिटी जिन्होंने एक सीक्वेंस से क्वेश्चन किए हुए थे और मैं हर क्वेश्चन के आंसर दूंगा। बट ये मैटर नहीं करता कि किसका क्वेश्चन पिक हुआ है किसका नहीं हुआ, बट मैंने जो स्टॉल भाइयों ने सबसे पहले क्वेश्चन किए हुए थे उनके पहले पिक किए हैं और ऊपर एट द एंड भी जिसने कमेंट किया उसका भी मैंने देखा है और मैंने जो है सबका ही रिप्लाई सीक्वेंस में दूंगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और अपने पहले सब्सक्राइबर को देखते हैं कि कौन है और क्या क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एनिमेशन क्रिएटर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सभी भाइयों को। वालेकुम सलाम। एक बार बोल देता हूँ वेयर आर यू फ्रॉम। तो मेरे भाई मैं जो है मंसरा के बीके में रहता हूँ। यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? नो ब्रो, मैं ये काम नहीं करता, ठीक है, इन चीजों में मैं नहीं बढ़ता। आपकी करंट जॉब क्या है? यार मेरी करंट जॉब पे यही यूट्यूब है और मैं साथ में स्टडी करता हूँ। ओके जी, यूट्यूब स्टार्ट करने की टिप्स दें। ओके ये एट दी एंड में आपको बताऊंगा सबको। हु इज यूर इंस्पिरेशन? थैंक फॉर रीडिंग माई कमेंट्स एंड इनशाला यू विल रीच 1 मिलियन इंशाला ब्रो। ओके जी, इंस्पिरेशन अगर बात करूँ करंटली यूट्यूबर्स की तो लाइक सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया तो सबसे ज्यादा हेटर्स में अपने पाकिस्तान कम्युनिटी का ही था, सारे यूट्यूबर्स का हेटर था। बट जब मैंने देखा कि रियलाइज किया कि हाँ भाई बहुत सारे प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ रहे हैं पूरी कम्युनिटी में, तो देन हमारे काफी हद तक मैं जब जानना स्टार्ट हुआ सब यूट्यूबर्स को, मेरी सब यूट्यूबर्स के साथ हेलो हाई हुई, तो सब ही मेरी इंस्पायरेशन बन चुके हैं। अगर करंटली यूट्यूबर्स की बात करूँ तो यार मुझे अगर सच्ची बताऊँ तो मिस्टर अबूद से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि यार वो एक ऐसे यूट्यूबर है जो कि यार अपना कोई काम किसी डिजाइनर वगैरह से नहीं करवाते, खुद के खुद करते हैं और पूरे मतलब सिंसियर के साथ ये काम करते हैं। और उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है सब सही मैं इंस्पायर हूँ। अगर मैं नाम लेना स्टार्ट कर लूँ तो इतने यूट्यूबर्स हैं कि मैं नाम नहीं लेना ले पाऊंगा, लाइक नोमी भाई हो गए, इनसेन हो गया और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो डिजर्व करते हैं, लाइक मेरे पास अभी नाम मैं भूल सकता हूँ। तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भाई ने किया और क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ किया ब्रोकन ने कि बेस्ट पीसी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। यार मैंने दो लीग्स करवाई है, एक में नोमी एफएफ जीते और एक में साइको जीते, तो अगर इन दोनों का वर्सेस हो जाए तो फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरी ये दो लीग्स ये बंदे जीते हुए हैं। ओके जी, अली हैदर का नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, लव फ्रॉम इस्लामाबाद। भाई आप पूरे पाकिस्तान में दूसरे सर्वर के साथ पीसी टूर्नामेंट करवा रहे हो जिससे पाकिस्तान के अंडर रेडर पीसी प्लेयर्स को सपोर्ट मिलता है। माई क्वेश्चन इज के आपने ये स्टेप क्या सोच के लिया और प्रोसेस में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? अच्छा सबसे पहले तो ये बता दूं अंडर रेडर प्लेयर्स के लिए मैं इतना काम नहीं करता जितना कम्युनिटी के और लड़के करते हैं, क्योंकि अंडररेटेड के लिए बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, बट हमारा कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं था जो कि करंटली काम कर रहा हो, तो आई एम अ फर्स्ट के स्टेप उठाया। क्योंकि ये एक मरतबा मैं और इनसेनो ही बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तानी टीम वहां पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही थी तो जब नौवीं भाई के इंटरनेट गया था तो मैंने पूछा भाई लाइक हम हारे इस तो क्या रीजन है, उन्होंने बताया था यार वहां पर लेग्स वगैरह बड़े आते हैं, तो डेट्स वाई कि मैंने उनके साथ मिलकर डिसाइड किया टूर्नामेंट्स करवाएंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने इनसेन भाई ने नौमी भाई ने बहुत ही मेरे साथ कोऑपरेट किया और हर तरह से मुझे सपोर्ट की टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजेशन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजी गेमर का सॉरी एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया कि योर पेरेंट्स आर एग्री योर नेम क्वालिफिकेशन। यार मेरा नेम तो आपको बता दिया, मेरा रियल नेम सरमचा है और मेरे पेरेंट्स को अगर लिटरली आपको बताऊँ तो मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं मैं यूट्यूब पे काम भी करता हूँ सिवाय मेरी मदर के। तो बाकी क्वालिफिकेशन में यूनिवर्सिटी हजारा यूनिवर्सिटी में बीएस कर रहा हूँ ब्रो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेन वाईटी का, एज कितनी है ब्रो? मैं अभी 19 ईयर का हूँ, बाकी कौन सी क्लास में बता दी आपको, बिरयानी और पुलाव ब्रो, बिरयानी और इनशाला 15K सून इनशाला ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है जी सोनू भाई का, उनका क्वेश्चन पहला ये है कि आप कहाँ रहते हो? ब्रो मैं मानसरा में रहता हूँ KBK। आपकी एज मैंने आपको अभी बता दी। आपने चैनल कब क्रिएट किया? यार मैंने जो चैनल क्रिएट किया था वो 2020 में किया था और काम मैंने 2021 के लास्ट मंथ में स्टार्ट किया था। ओके आपकी इनकम के लिए मैं वो लास्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है यार, उस पर मुझे यूट्यूब वालों की तरफ से काफी रिस्ट्रिक्शन पड़ी है, आप वो वीडियो देख लो, ऊपर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, उसमें मैंने आपको पूरी की पूरी अपनी इनकम बताई हुई है, ठीक है। ब्रो ऐसे ही टूर्नामेंट लाते रहो, लव यू फुल सपोर्ट इंशाल्लाह टूर्नामेंट हमारे चैनल पर रेगुलरली आपको देखने को मिलेगा। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है अफनान भाई वाईटी का, आपके और ईसा भाई की फ्रेंडशिप कैसे हुई? लव फ्रॉम वाह कैंट। ओके
ईसा भाई दरअसल अगर आपको बताऊं तो ये मेरी सिटी के, एक बंदा जब देखते है कि भाई उसकी कोई सिटी का यूट्यूबर है और काफी अच्छा है, तो देन उसके माइंड में भी आता है भाई हमारा ग्राई है यार, हमारी हिंको में बोलते हैं अरे ग्राई हमारा यूट्यूबर है, एक हमारा भाई है। तो फिर उसी तरह मैंने कॉन्टेक्ट किया था उनके साथ, जब मुझे पता चला तो फाइनली फिर दोस्ती बढ़ते बढ़ते अब वहां तक आ चुकी है जहां तक भाइयों की दोस्ती भी नहीं होती, तो रेगुलर हमारी बात होती है। और वो एक किस्म के मेरे टीचर भी हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे हर उस स्टेप पे मोटिवेट किया। जब डीमोटिवेट हुआ आपके भाई ईसा भाई ने हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया, और मैं अगर कहूँ तो बैक हैंड मुझे उन्होंने ही दिया और हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उनका थैंक्स भी कहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी एके ड्रैगन वाईटी का, आपकी एंगेजमेंट होगी? नो ब्रो मेरी नहीं हुई। आपके पेरेंट्स का रिस्पॉन्स था कि आप टूटे? यार उनको पता ही नहीं है कि उनको रिस्पॉन्स क्या होना है। आप रहते हो मैं बता दिया मैं कहाँ रहता हूँ। आपके ब्रदर एंड सिस्टर है जी भाई मेरे? अल्हम्दुलिल्लाह से आई हैव टू ब्रदर एंड टू सिस्टर। एंड आप वॉइस चेंजर? नो ब्रो मैं वॉइस चेंजर यूज नहीं करता। ओके ब्रो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ किया है जी सरदार एफएफ ने कि आपकी इंस्पिरेशन मैंने बता दी, मेरी इंस्पिरेशन मिस्टर रघु हैं अभी करंटली, और बाकी सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर जितने भी हैं मेरी सारी इंस्पिरेशन है। आप कहाँ रहते हो? मैं आपको बता दिया मैं कहाँ रहता हूँ। आप 20K की स्पेशल कब बनाओगे? ये 20K स्पेशल वीडियो है, इनका मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। मेक भाई से आपका कॉन्टेक्ट कैसे हुआ? मुझे ईसा भाई ने नंबर दिया था मेक भाई का, तो मेरा उनसे कॉन्टेक्ट हुआ। आपने जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराया था इसमें आप प्लेयर से किस तरह कॉन्टेक्ट, किसी फील्ड यार कॉन्टेक्ट हो जाता है जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपका कॉन्टेक्ट हो जाता है। वैसे इसमें मेरी बहुत ज्यादा हेल्प ओपिन सेन ने की है, तो इनका भी हम इस वीडियो में स्पेशली शुक्रिया अदा करेंगे। ओके जी, लास्ट आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कंग्रेचुलेशन फॉर 20K इट्स मॉन्स्टर का कमेंट था, आप सबको मुबारक हो यार, आप सबकी ये फैमिली है। आपकी इंस्पिरेशन कौन? ऑलरेडी बता दो। पार्टनर प्रोग्राम कब ज्वाइन कर रहे हो? ये क्वेश्चन भाई मुझसे रेगुलर बेसिस पे पूछते हैं, तो मैं इसका यही जवाब देता हूँ, जब ज्ञान गेम अगर रजू भाई ने ज्वाइन किया मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, अब ठीक हो गया भाई। और इसके अलावा मेरा अकाउंट में मंथली मेंबरशिप कब लगा रहे हो? यार इंशाल्लाह जब बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, कोई जीएफ है आपकी? ना ब्रो। फेस रिवील कब करोगे? अच्छा, फेस रिवील का ये था कि मैं 20K पे बोला हुआ था आपको और मैंने वो फेस रिवील कर दी थी। मेरे साथ जो व्हाट्सएप पे थे इंस्टा पे थे वो मैंने कर ली थी फेस रिवील। तो बाकी वीडियो के लास्ट में मैं न्यू क्रिएटर के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। न्यू क्रिएटर क्या, तो मैं जस्ट यही कहूंगा कि फ्री फायर की दुनिया में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आपको ग्रो करना, और आप सभी पाकिस्तान को पाकिस्तानी कम्युनिटी को देख लें, बहुत ही ज्यादा टफ है इस कम्युनिटी में ग्रो करना, बहुत ही लकली बंदे आगे जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा आप और किसी लाइक टेक का बना सकते हैं और यूट्यूब के जनर बना सकते हैं। हाँ, अगर आप में टैलेंट है और आप अच्छे जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो आप जरूर बनाए, आप ग्रो हो जाएंगे। जिन भाइयों ने भी कमेंट किया और उनका आंसर मैंने दे पाया सबसे पहले तो उनके लिए सॉरी, और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, जिससे भाई ने भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप किया। और इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद हमारे टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, स्क्वाड टूर्नामेंट, जिसमें आपको इंटरनेशनल टीम्स खेलती हुई नजर आएंगी। तो इसी तरह अपनी सपोर्ट दीजिएगा, तो अपने भाई को दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।